हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के मेरे अपने चैनल यूवी कंपटीशंस में। साथियों, आज 22 मार्च 2020 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे अपने चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथियों, हमारा यह करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ है, तो देखना ना भूलें। और सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे द्वारा डेली के अपडेट्स जो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी पीके बनर्जी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी कबड्डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फुटबॉल से संबंधित थे। भारत के महान फुटबॉलर थे पीके बनर्जी, जिनका 20 मार्च 2020 को लंबी बीमारी के बाद 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पीके बनर्जी कुछ समय से निमोनिया के कारण श्वास की बीमारी से जूझ रहे थे। पीके बनर्जी ने 1962 में एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय टीम का हिस्सा थे। पीके बनर्जी को साल 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था तथा यह पुरस्कार पाने वाले बनर्जी प्रथम फुटबॉल खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। इसका राइट आंसर है केरल राज्य ने कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी केरल। केरल के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस महीने राज्य के सभी लोगों को कोरोना वायरस के चलते राशन की दुकानों से 10 किलो तक मुफ्त अनाज भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। संयुक्त राष्ट्र की हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। साथियों, 20 मार्च 2020 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, 20 मार्च 2020 को एक रिपोर्ट जारी की गई थी हैप्पीनेस इंडेक्स की, उस रिपोर्ट में फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फिनलैंड। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहा है और 156 देशों की यह सूची थी जिसमें अफगानिस्तान सबसे कम खुशहाल देश में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4। हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च को, ऑप्शन बी 21 मार्च को, ऑप्शन सी 22 मार्च को, ऑप्शन डी 23 मार्च को। इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर 21 मार्च। साथियों, यह दिन सभी तरह के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इस दिन देशों को, मतलब सारे देशों को, वनों और पेड़ों से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाता है और इन गतिविधियों में वृक्षारोपण भी एक अभियान शामिल है। इस साल जो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय था फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी,
यानी कि वन और जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी 24 मार्च को, ऑप्शन सी 28 मार्च को, ऑप्शन डी 31 मार्च को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 मार्च को, क्योंकि यह दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 21 मार्च 1960 को दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में पुलिस द्वारा रंगभेद कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 69 लोगों की मृत्यु हुई थी, यानी कि 69 लोगों की हत्या हुई थी, और उन 69 लोगों की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 21 मार्च। यह जो दिवस है इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव द्वारा इस दिन को साल 2015 से 2024 तक मनाया जाने की घोषणा की गई थी, यानी कि 2015 में इसकी घोषणा की गई थी और 2024 तक यह मनाया जाएगा। इस वर्ष जो नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, उसका जो ध्यान था वो था इंटरनेशनल डिकार्ड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च को, ऑप्शन बी 21 मार्च को, ऑप्शन सी 22 मार्च को, ऑप्शन डी 23 मार्च को। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2011 में डाउन सिंड्रोम के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 21 मार्च। जो डाउन सिंड्रोम दिवस है, ये इसका जो इस बार का विषय था, यानी कि 2020 का विषय क्या था, वी डिसाइड। साथियों, डाउन सिंड्रोम के बारे में यदि बात की जाए तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो असामान्य कोशिका विभाजन के कारण गुणसूत्र 21 से अतिरिक्त आनुवांशिक सामग्री की वजह से होता है। डाउन सिंड्रोम वाले जो मनुष्य है उनके चेहरे की पहचान स्पष्ट रूप या आसानी से हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, डाउन सिंड्रोम के कारण बुद्धि कमजोर होती है, विकास यानी कि शारीरिक विकास देर से होता है, और इसके साथ थायराइड या दिल का रोग भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, विश्व स्तर पर इंटरनेशनल नौरोज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च को, ऑप्शन बी 21 मार्च को, ऑप्शन सी 22 मार्च को, ऑप्शन डी 23 मार्च को। इसका राइट आंसर है नौरोज डे 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस हर साल नौरोज को मनाने के लिए मनाया जाता है, जो एक प्राचीन उत्सव है और जिसे वसंत के पहले दिन और प्रकृति के नवीकरण का प्रतीक माना जाता है। वसंत के पहले दिन मनाया जाने वाला नौरोज मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है, तथा प्रकृति के उदय, प्रफुल्लता, ताजगी, हरियाली और उत्साह का मनोरम दृश्य पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, संयुक्त राष्ट्र की हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 99वां, ऑप्शन बी 121वां, ऑप्शन सी 137वां और ऑप्शन डी 144वां। दोस्तों, 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है और 20 मार्च 2020 को हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट पेश की गई थी। यह वर्ल्ड हैप्पीनेस की जो रिपोर्ट थी, यह 156 देशों की रिपोर्ट थी, जिसमें भारत 4 पायदान यानी कि पहले 140वें स्थान पर था, अब फिसल कर 144वें स्थान पर आ गया है। इस रिपोर्ट में फिनलैंड ने खुशहाल देशों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया था और तीसरी बार यह पहले स्थान पर रहा, और अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान यानी कि 156 नंबर पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, उस शहर का नाम बताइए जिसने 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया था। ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी जूनागढ़, ऑप्शन डी सूरत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अहमदाबाद। गुजरात राज्य के अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अहमदाबाद। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली साइकिल वॉक परियोजना की आधारशिला रखी है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है?
ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमित शाह, वर्तमान में भारत सरकार में गृह मंत्री है। तो साथियों ये था आज का करंट अफेयर जी के, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। दोस्तों आज 22 मार्च को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनता से वादा किया है, जनता से कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए एक दिन का घर से निकलना बंद किया जाए, यानी कि कम से कम घर से बाहर निकले और जनता कर्फ्यू का सपोर्ट करें। तो आज सुबह 7 बजे से शाम को 9 बजे तक यदि आपको आवश्यक हो तो ही अपने घर से बाहर जाएं, अन्यथा अपने घर के अंदर रहें और शांति से, जो कोरोना वायरस महामारी से देश अकेला 206 देशों में, जो कि विश्व में 206 देश है, उनमें अकेला भारत ही नहीं अपितु 150 से अधिक देश इस महामारी की समस्या से जूझ रहे, तो आप उसकी जो तीली है उसकी चैन को रोकने के लिए एक दिन शांति प्रिय स्थिति में रहें और घर से बाहर ना निकले। कम से कम घर से बाहर निकले यह भी देखने के लिए नहीं निकले कि कौन बाहर निकला है कौन नहीं निकला है, अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे, सजग रहे, शांत रहे, बार बार सैनिटाइजर का यूज करें और साथ ही साथ मास्क का उपयोग करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूबी कंपटीशन चैनल और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।